टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी में भाजपा को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जयंती से पहले कांग्रेस यूपी में भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। यूपी में कांग्रेस किसानों के समर्थन मूल्य, युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे, गिरती जीडीपी, जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में 10 दिवसीय कार्यक्रम करेगी। बुलंदशहर पहुंचे कांग्रेस के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने बताया कि बुलंदशहर में भी कांग्रेस 6 नवंबर से 15 नवंबर तक कार्यक्रमों के जरिए भाजपा को घेरने का काम करेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए लगे तो हम लोग अभी जिले की कमेटियां, जिन जिलों में जिले घोषित हो गए हैं, बाकी सब जगह जाकर के हम आम लोगों के, आम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के जिले की कमेटियां बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जाकर के। साथ साथ हम लोग एक काम और कर रहे हैं, जनता के बीच में संवाद के कार्यक्रम भी हमने रखने का काम किया और इसी संदर्भ में हम लोगों ने अभी 10 दिवसीय कार्यक्रम बनाया है, जिसमें 5 नवंबर में आज 10 दिवसीय कार्यक्रम की एक प्रेस होनी थी। इसके बाद 6 नवंबर में एक आर्थिक संकट को लेकर कर जो परेशानियां, जो समस्याएं, जो जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनके खिलाफ 6 और 7 नवंबर में एक पर्चा वितरण कार्यक्रम होगा, जो ब्लॉक, तहसील और कचहरी में और बाजारों में वो पर्चा वितरण का कार्यक्रम, जहां भी बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में भी, कॉलेज में भी, 8, 6 और 7 का मैंने बताया। 8 तारीख में आर्थिक मंदी और सरकारी नीतियों के विरोध में नुक्कड़ सभाएं लोगों के बीच में जाकर के होंगी। 8 और 9 तारीख में ये नुक्कड़ सभाएं जिले के भिन्न भिन्न लोगों को, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां देकर के कराई जाएंगी। इसके अलावा 10 तारीख में बेरोजगारी के खिलाफ बर्तन लेकर के नौजवान साथी और सब कांग्रेस के लोग एक जनजागरण अभियान चलाएंगे और लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे कि आज बेरोजगारी का क्या हाल है। 11 तारीख में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की जयंती पर एक कार्यक्रम होगा। शिक्षण संस्थानों में महंगी शिक्षा, निजीकरण, बेरोजगारी के सवाल पर वार्ता होगी, उसमें हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं, लोगों के ऊपर है किस तरह का आयोजन होगा। एक कार्यक्रम होगा और उसमें सेमिनार का आयोजन भी होगा, जिसमें एक विशेषज्ञ आकर के सारी बातों पर बताएगा पार्टी की तरफ से। 12 और 13 तारीख में जन सुनवाई, अन्नदाता की सुनो, बिजली दर वृद्धि, कर्ज माफी और फसल मूल्य के संदर्भ में किसानों का क्या सरकार से मिल रहा है, क्या होना चाहिए फ्यूचर में, अगर हम लोग आएंगे तो क्या होना चाहिए, अब उनकी समस्याएं क्या हैं, जाकर के उनके बीच में एक गांव के बीच में जाकर के ये कार्यक्रम होगा। 14 तारीख में, ये 12 और 13 का मैंने आपको बताया, इसी क्रम में 13 तारीख में मेरे यहाँ अजय कुमार लल्लू जी भी आ रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में, हमारे यहाँ काकड़ा गांव के। और 14 तारीख में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर नेहरू के सपनों का भारत पर एक सेमिनार होगी। और 15 तारीख में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा जिला मुख्यालय पर। ये हम लोगों का एक कार्यक्रम है, इसी के संदर्भ में आज प्रेस का आयोजन किया गया और यही पूरे प्रदेश में हर जनपद। 6 और 7 नवंबर को कॉलेज, कचहरी, ब्लॉक में पर्चा वितरण किए जाएंगे, जबकि 8 और 9 नवंबर को कांग्रेस आर्थिक मंदी और सरकारी नीतियों के विरोध जिला, शहर, ब्लॉक, वार्ड स्तरीय नुक्कड़ सभा करेगी। 10 और 11 नवंबर को बेरोजगारी के खिलाफ बर्तन लेकर जिले के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि मौलाना कलाम आजाद जयंती पर कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में महंगी शिक्षा, निजीकरण और बेरोजगारी पर सवाल वार्ता की जाएगी। 12 और 13 नवंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर अन्नदाता की सुनो नाम से चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 14 और 15 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर नेहरू के सपनों का भारत नाम से सेमिनार किया जाएगा, जबकि जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि ये सारी जानकारी कांग्रेस के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने कांग्रेस के बुलंदशहर जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता करके दी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।